सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड के बारे में। बेसिकली आज की वीडियो में आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपके आईडी में ये कहाँ मिलेगा, एंड प्लस अगर आपको ये मिल भी रहा है तो वहाँ पे अभी कमिंग सून बता रहा है, बहुत सारे लोगों का अभी भी कमिंग सून है। सो आपको वहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस कैसे इनेबल करना है आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा कैसे आप इसे अप्लाई कर पाओगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है एंड फ्यूचर में वीडियो लाने का एनर्जी मिलता रहता है। सो अब चलिए आप मोबाइल के स्क्रीन पे एंड आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आप इसे कैसे अप्लाई करने का प्रोसेस को इनेबल कर सकते हो, कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने का इसका क्राइटेरिया क्या है, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा। सो अब चलिए आप स्क्रीन पे। सो हम आ चुका अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। सबसे पहले करना क्या होगा, अपना फ्लिपकार्ट का आईडी जो है इसमें लॉग इन कर लेना है एंड आपको अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पे नीचे में ऑप्शन मिलेगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपका यहाँ पे एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा तो सिंपल सा यहाँ पे सर्च इंजन है, आप लोगों को सर्च पे सिंपल सा क्रेडिट कार्ड आप लोगों को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपको ये देखने को मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी देख लीजिए मेरे यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, अभी क्या था कुछ टाइम पहले मेरे यहाँ पे कमिंग सून बता रहा था। सो मैंने अपना कमिंग सून कैसे अप्लाई में कन्वर्ट किया आप लोगों को यहाँ पे ये बताने वाला हूँ। बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, अभी कमिंग सून दिख रहा होगा, यह बहुत सारे लोगों का अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा अप्लाई करने के लिए। अगर आप दो तीन बार ये ट्रिक को अप्लाई करते हो तो जाहिर सी बात है आपका यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल सा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखने को मिलेगा, लिंक पे आप क्लिक करोगे एंड कोई भी ब्राउजर सेलेक्ट कर लेना है, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे एंड यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस आ जाएगा। अब मैं इसे कितना बार भी यहाँ पे काट के एंड दोबारा यहाँ पे सर्च करूंगा क्रेडिट कार्ड तो यहाँ पे मेरा कमिंग सून नहीं लिखेगा, यहाँ पे अप्लाई ही लिखेगा। सो एक बार आप उस पर लिंक पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद आपका यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस आ जाएगा, फिर उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो या एप्लीकेशन कट करके भी आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे आपका अप्लाई का ऑप्शन ऐसा इनेबल हो जाएगा। इनेबल हो जाने के बाद यहाँ पे आप लोग इसका रिवॉर्ड के बारे में प्लस यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसका क्राइटेरिया क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे बताया भी गया है कि आपको यहाँ पे 5% यहाँ पे अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिलेगा अगर आप इसके कार्ड को यूज करते हो एंड प्लस यहाँ पे रिवॉर्ड का जो आपका बेनिफिट रहेगा। एंड नीचे में बात करें तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट या मंत्रा से आप शॉपिंग करते हो तो यहाँ पे 5% कैशबैक मिलेगा, स्विगी यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, उबेर का, टाटा स्काई का यहाँ पे 4% आपको यहाँ पे फ्लैट कैशबैक आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसका अप्लाई करने का यहाँ पे कौन कौन बंदा अप्लाई कर सकता है वो यहाँ पे बताया गया है। अप्लाई करने वाला यहाँ पे सैलरी अगर पर्सन है, मतलब कि वो किसी कंपनी में, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका सैलरी अगर 15,000 रहता है तभी भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बताया गया है कि मंथली इनकम ऑफ 15,000 मोर यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है, अगर आपका 15,000 सैलरी है तो आप अप्लाई कर दीजिए तो ये कार्ड मिलने का 100% चांसेस यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका अपना बिजनेस है, अगर कोई प्रोफेशनल आप बिजनेस करते हो तो यहाँ पे बताया गया है मंथली आपका 30,000 पेमेंट होना चाहिए, मतलब कि मंथली आपका 30,000 सैलरी होना चाहिए, जो भी आपका बिजनेस है उसमें आपका पैसा बनना चाहिए 30,000, तभी आप इसे अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई करने के लिए सिंपल से यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे देख लीजिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका फुल नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पे बताया भी जा रहा है नेम शुड बी एज पर पैन कार्ड, आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पैन कार्ड पे जो नाम होगा, डॉक्यूमेंट पे जो नाम है वही नाम इधर फिल करना है। नीचे में आप लोगों का मदर का नाम यहाँ पे फिल कर देना है, उसके बाद यहाँ पे जेंडर आप मेल हो फीमेल हो वो आप लोगों को इधर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, आप यहाँ पे मैरिड हो अनमैरिड हो सिंगल हो या अदर पे आप लोगों को इधर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन पूछा जा रहा है, आपका एजुकेशन क्या है, यहाँ पे ग्रेजुएट हो अनग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट हो वो आप लोगों को इधर देना है। आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ आईडी प्रूफ में है वही आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है डेट ऑफ बर्थ शुड बी एज पर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, आप लोगों यहाँ पे पूरा कंफर्म बताया गया है। सो ये आप लोगों को पर्सनल डिटेल अपना फिल करना है एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों से अपना यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल, यहाँ पे पैन नंबर एंड यहाँ पे एम्प्लॉयड स्टेटस पूछा जा रहा है। सो सिंपल सा आप लोग यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर, एम्प्लॉयड स्टेटस में आप सैलरीड हो या यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका प्रोफेशनल वर्क है, प्रोफेशनल जॉब है या बिजनेस है, आपका अपना बिजनेस है वो इधर फिल कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट
एक डिटेल यहाँ पे बताया जा रहा है। आपका यहाँ पे ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन आईडी से यहाँ पे ले लिया जाएगा, मतलब कि आपका फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन आईडी जो है उससे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाएगा यहाँ पे रेजिडेंट एड्रेस, आपका जो एड्रेस है वो इधर फिल कर देना है। सो सिंपल सा यहाँ पे एड्रेस पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है एड ए न्यू एड्रेस एंड अपना जो करंट एड्रेस है वही इसमें फिल करना है, आपका जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से एड्रेस है। यहाँ पे बताया भी गया एंटर एज पर योर आधार कार्ड पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, आपका जो भी आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जो आपके मेन डॉक्यूमेंट पे एड्रेस है वही इसमें फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में बताया जा रहा है आपका इंटर वर्क एड्रेस, आप जहाँ पे काम करते हो उसका यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है आपका क्रेडिट कार्ड कौन से एड्रेस पे डिलीवर होना चाहिए, मतलब कि आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर होना चाहिए या आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे, मतलब कि जो आपने यहाँ पे जहाँ काम कर रहे हो वो आपने एड्रेस दिया वहाँ पे डिलीवर होना चाहिए। अगर जहाँ पे काम कर रहे हो तो सिंपल से वो टिक मार्क इधर वर्क पे क्लिक कर देना है, या घर के एड्रेस पे चाहिए तो आपको यहाँ पे करंट रेजिडेंट एड्रेस पे आप लोगों को इस पे टिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक नीचे में हाईलाइट किया जा रहा है आपका जो केवाईसी डॉक्यूमेंट रहेगा, एक्सिस बैंक का कोई भी अधिकारी आएगा आपसे डॉक्यूमेंट लेगा, मतलब कि पूरा केवाईसी करेगा कि अपना रियल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं प्रोवाइड कर रहे, जितना भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया वो रियल है या फेक है, कोई भी आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो। यहाँ पे देख लीजिए मैंने अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल कर दिया, अपना वर्क एड्रेस जहाँ पे मैं वो अपना वर्क करता हूँ जो मेरे कंपनी का एड्रेस है, यहाँ पे मेरा एड्रेस है रेजिडेंट एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। मैं अपना यहाँ पे कार्ड जो है मैं अपने रेजिडेंट एड्रेस में मांगना चाहता हूँ, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी ये बता रहा है कि आपका एरिया जो है अनसर्विसेबल है, मतलब कि आपका एरिया जो पिन कोड है यहाँ पे सर्विस अवेलेबल नहीं है एक्सिस बैंक का, इस वजह से आपका ये कार्ड जो है अप्लाई नहीं हो सकता है। अगर आप गाँव में रहते हो तो आपके साथ में ये जरूर प्रॉब्लम आएगा, तो आप अपना शहर का एड्रेस देके आप ये ले सकते हो अपना क्रेडिट कार्ड, आपको ये देखने को मिल जाएगा। मेरे को सिर्फ यही आप लोगों को बताना था कि कैसे आप इसे अपना अप्लाई कर सकते हो, बाकी आगे का प्रोसेस यहाँ पे सबमिट हो जाएगा एंड आपका बैंक की तरफ से अधिकारी आएगा जो आपका डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा एंड आपका अप्रूवल जैसे ही हो जाता है तो एक मैसेज रिसीव हो जाएगा, फिर 7 से 12 दिन के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड डिस्पेस कर दिया जाएगा आपके एड्रेस पे। होप आप लोग यहाँ पे सब कुछ समझ चुके हो कि कैसे हमें क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, हमें कैसे अपना अप्लाई का ऑप्शन इनेबल करना है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।